नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने स्वार टांडा विधानसभा सीट रिक्त घोषित किए जाने पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दूं, उनका कहना है कि इंसाफ की जीत हुई। ऐसे लोग जो देश के कानून और संविधान का उल्लंघन करते हैं, उनकी जगह सिर्फ जेल में ही होती है। इसी के साथ क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता के साथ देखें। देखिए, ऐसा है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई किसी भी पोजीशन पे बैठा हो या आम इंसान हो। अगर कोई कानून तोड़ेगा, कोई जुर्म करेगा, उसका आरोप साबित होगा तो उसे सजा तो होनी है। ये तो हमारे देश का एक नियम है। और जहाँ तक संविधान की बात रही, जो चुनाव आयोग है वो संविधान का एक हिस्सा है, और चुनाव आयोग में कोई अगर फ्रॉड करेगा या उसको धोखा देगा तो उसको भी सजा होनी है। तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले कुछ महीने पहले खतौली का उपचुनाव हुआ, वो भी इसी बेसिस पे हुआ था कि वहाँ भी विधायक को 2 साल की सज़ा हुई थी। तो वही ये बेसिस है। सज़ा चाहे किसी भी चीज़ में हो, लेकिन अगर सज़ा होती है तो आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। वो हमारे देश का एक नियम है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, अभी तो ये कुछ 1-2 घंटे पहले ये सूचना मिली है, जो भी फैसला आया मुरादाबाद में, जो लोअर कोर्ट का फैसला था, उसको स्टडी किया गया। जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो लीगल तरीके से स्टडी किया, उस पर अपना फैसला उन्होंने सुना दिया। अब ऐसा है कि अब चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा कि उपचुनाव कब होना है, कैसे होना है। उसके बाद जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो फिर अपनी अपनी रणनीति तैयार करेंगे हर सारी बारीकियों को देखते हुए। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि वर्तमान में हमारा जो राज्य है उसकी सरकार बहुत सही काम कर रही है। 2017 से जब से योगी सरकार आई है, रामपुर जो एक तरह से मुस्लिम बहुमूल्य बहुमत का एक क्षेत्र है, उसमें मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब सुकून से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक हवा बना दिया गया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि स्वार का जो विधायक हो, आने वाला भविष्य में जो भी विधायक हो, वो भी हमारे मुख्यमंत्री को मिले। तो मियाँ, जिस तरीके से समाजवादी का कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल सूपड़ा साफ होता जा रहा है रामपुर में। हाँ, वो तो है ही भाई, उनका जब नेता ही गलत है, जब समाजवाद जब अखिलेश यादव जी ने रामपुर की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जिससे पार्टी का बेड़ा गर्क होगा, तो उसका नतीजा तो सामने आना ही है। और वो उस व्यक्ति का ये मानना है कि जो भी पोस्ट हों, जो भी विधायक हों, जो भी सांसद हों, उसी के परिवार में रहें, उसके अलावा कोई आगे बढ़ ही नहीं सके। तो ये तो होना ही है। और एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। को आजम किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्य सरकार को, किसी नेता को, किसी बाहर के व्यक्ति को इल्ज़ाम नहीं डाल सकता है। उसकी राजनीतिक लंका उसके अपने बेटे ने ढाई है, किसी बाहर वाले ने नहीं। जब बेटा हमेशा अपने बाप के असूलों पर चलता है, जब बाप के असूल ही फ्रॉड और धोखाधड़ी वाले हैं, तो बेटा तो वही करेगा।